संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने सदन की कार्रवाई न चलने को लेकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल और सोनिया गांधी को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल महीने में जा सकते हैं चीन और दोनों देशों के बीच हो सकते हैं अहम करार। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, मुख्य सचिव मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन ने दिया इस्तीफा। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जलियांवाला बाग में शहीद हुए उद्धम सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, बीजेपी में शामिल हुए नरेश अग्रवाल ने जया बच्चन पर दिए गए बयान के लिए माफी मांगा है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, नरेश अग्रवाल मामले में सुषमा स्वराज के बाद स्मृति ईरानी और रूपा गांगुली ने भी ऐतराज जताया है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट की तबीयत बिगड़ी, देहरादून स्थित जॉली ग्रांट अस्पताल में हुए भर्ती। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, आप नेता कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि अपना गिरगिट भी लजा गया है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नरेश अग्रवाल के बयान की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा अगर नारी का सम्मान करती है तो नरेश अग्रवाल पर कार्रवाई करनी चाहिए। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब आडवाणी से पूछा हालचाल तो आडवाणी ने कहा मैं तो ठीक हूँ लेकिन सदन ठीक से नहीं चल रहा है। और बड़ी खबरों में ग्यारहवें नंबर पर है, सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान कर्ज मुक्त हो तो बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। और बड़ी खबरों में बारहवें नंबर पर है, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पुलिस ने 17 बच्चों के तस्करी से जुड़े केस में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से पूछताछ शुरू कर दी है। और बड़ी खबरों में तेरहवें नंबर पर है, महाराष्ट्र के यतमाल जिले में साई मंदिर परिसर के कुएं से हजारों आधार कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया है। और बड़ी खबरों में चौदहवें नंबर पर है, जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने पार्टी लाइन के विपरीत बयान देने के आरोप में कैबिनेट मंत्री हसीब द्राबू को बर्खास्त कर दिया है। और बड़ी खबरों में पंद्रहवें नंबर पर है, शांति की तलाश में अपने गुरु के साथ हिमाचल पहुंचे दक्षिण सुपरस्टार रजनीकांत। और बड़ी खबरों में सोलहवें नंबर पर है, बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपनी नई 6 सीरीज ग्रैंड टूरिज्मो कार को भारत में किया लॉन्च। और बड़ी खबरों में सत्रहवें नंबर पर है, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कमांड मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को सौंपी गई। और बड़ी खबरों में अठारहवें नंबर पर है, फिल्म निर्माता भूषण कुमार ने इरफान खान की बीमारी के बारे में मीडिया से कहा इलाज के लिए विदेश जाएंगे इरफान खान। और बड़ी खबरों में उन्नीसवें नंबर पर है, बैंकॉक के मैडम टुसाड वैक्स म्यूजियम में बाहुबली के बाद अब कटप्पा यानी कि सत्यराज का वैक्स स्टैचू भी नजर आएगा। और बड़ी खबरों में बीसवें नंबर पर है, गौरी खान ने मुंबई में आयोजित हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड एक्शन में बेटी सुहाना के बॉलीवुड कैरियर के बारे में कहा कि सुहाना एक मैगजीन के लिए शूट करने वाली है और जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। और ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।